हेलो एंड वेलकम। माय सेल्फ प्रवीण शर्मा। आज के सेशन में हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट। पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ने से पहले हम ये पता करें कि पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड का मतलब क्या है। वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली एंड मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब है मोर देन वन, जैसे आपने सुना होगा मोनो यानी कि सिंगल, पॉली मतलब मोर देन वन। मॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म का मतलब है फॉर्म्स या बिहेवियर। तो अब इन दोनों सेंटेंस को हम जोड़ लें तो ये बन जाएगा मोर देन वन फॉर्म्स या मोर देन वन बिहेवियर। तो अब हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या है, मोर देन वन फॉर्म्स या मोर देन वन बिहेवियर। लेकिन मोर देन वन बिहेवियर का मतलब क्या है? चलिए मान के चलते हैं, पर्सन पर्सन एक टीचर है, पर्सन एक टीचर है और टीचर एक एम्प्लॉय भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्सन के साथ साथ वो टीचर भी है और वो कहीं एम्प्लॉय भी है, यानी कि किसी स्कूल या कॉलेज का वो एम्प्लॉय भी है। तो ये क्या हुआ, एक पर्सन है लेकिन मोर देन वन बिहेवियर, यानी कि वो टीचर भी है और एम्प्लॉय भी है। तो ये थी डेफिनेशन पॉलीमॉर्फिज्म की। अब हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि मोर देन वन बिहेवियर जो हमने अभी देखा, लेकिन वो बिहेवियर हम कब अचीव कर पाएंगे या कैसे अचीव कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, इनको दो टाइप पे डिवाइड किया गया है। एक है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और अनदर है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे आप अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग भी कह सकते हो। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को आप डायनेमिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग भी कह सकते हो। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि कंपाइल टाइम पे ही अगर हम बिहेवियर पहचान सके या हमारा प्रोग्राम बिहेवियर पहचान सके तो ये कहलाएगा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और इसे अचीव करने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसमें एक वर्ड कॉमन है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब है मोर देन वन बिहेवियर, ओवरलोड कर लिया है। जैसे कोई पर्सन है, पर्सन खाना खा रहा है, तो इसका भी एक टास्क है, लेकिन हमने बोला कि पर्सन खाना खा रहा है, साथ में रीडिंग भी कर रहा है, साथ में लिसनिंग भी कर रहा है। तो अब उसके पास एक काम नहीं है, उसके बाद उसके पास कई सारे काम है। वैसे ही अब आते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे, जिसको डायनेमिक या लेट बाइंडिंग भी कहते हैं हम। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि बिहेवियर अगर रन टाइम पे या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम पे अगर अचीव करना हो तो ये कहलाएगा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और अचीव करने के लिए कुछ कंसेप्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे, जैसे है फंक्शन ओवरराइडिंग और अनदर कंसेप्ट है वर्चुअल फंक्शन। इन एक एक कंसेप्ट को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। इसका मतलब ये है कि फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए लेकिन उसके जो पैरामीटर्स हैं वो अलग होने चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि जो फंक्शंस आप क्रिएट कर रहे हो वो एक ही क्लास में होने चाहिए। इससे एडवांटेज क्या होगा, इंक्रीज कोड रीडेबिलिटी। अगर आपने नाम एक ही रखा है तो कोड पढ़ने में आपको आसानी होगी। कई सारे फंक्शन बने हुए हैं, हर एक फंक्शन अलग अलग काम कर रहा है, तो आपको एक ही नाम याद रखना है, आपको सारे नाम याद नहीं रखना है। आइए अब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग का। कैसे करेंगे, तो हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास का नाम रखते हैं हम ए और क्लास के स्कोप को हम क्लोज कर दें। मोड हम डिसाइड कर लेते हैं यहाँ पर पब्लिक, और इस पब्लिक मोड में void sum function एक क्रिएट कर दें। sum function यहां पर हम दो पैरामीटर सेट कर देते हैं, int a एंड int b। then cout a plus b, then end l। another function हम क्रिएट कर लेते हैं, function का नाम void sum। यहां पर हम पैरामीटर रख देते हैं int a कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी,
एंड इस फंक्शन के अंदर सी आउट ए प्लस बी प्लस सी एंड एल, ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया। ये है फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। डेफिनेशन के हिसाब से देखें कैसा है ये। फंक्शन हैविंग सेम नेम, तो सम सम नाम सेम है फंक्शन का, बट डिफरेंट पैरामीटर्स। तो यहां पर पैरामीटर हैं दो, दोनों इंट टाइप के हैं। यहां पर पैरामीटर हैं तीन, तीनों इंट टाइप के हैं। फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर इन अ सिंगल क्लास। अब देखिए ये दोनों फंक्शन एक ही क्लास में है, क्लास ए में। अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। क्लास ए जिसका ऑब्जेक्ट ए इक्वल टू ए कंस्ट्रक्टर से हमें से इनिशियलाइज करें। अगर कोई कंस्ट्रक्टर क्लास में नहीं बना है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा, तो आप ये ना भी लिखो तो भी सही है। ए क्लास का ऑब्जेक्ट स्मॉल ए, इसने कॉल किया सम फंक्शन को, लेकिन सम फंक्शन कौन सा कॉल करे, क्या दो पैरामीटर वाला या तीन पैरामीटर वाला। तो हम यहाँ पर कुछ वैल्यू पास कर देते हैं। तो यहाँ वैल्यू पास करिए 10, 20। तो ध्यान रखिएगा जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हो तब आप सेट करते हो पैरामीटर, जब आप वैल्यू पास करते हो तो इसे कहते हैं हम आर्गुमेंट। तो सम 10, 20 यानी कि दो आर्गुमेंट आपने पास किए 10 और 20। 10 इसकी वैल्यू किस पे सेट हो गई, ए पे, और 20 बी पे। ए की वैल्यू है 10 और बी की हो गई 20। अंदर जाएगा 10 प्लस 20, तो यहां पर आउटपुट कितना आना चाहिए हमारा 30। देन ए डॉट सम, अब हमने फिर से सम फंक्शन को कॉल किया, लेकिन ये सम फंक्शन क्या लेके जाएगा, तो हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे देते हैं 10, 30, 50। ये तीन वैल्यू हमने दे दी, तो 10, 20, 30 कौन सा फंक्शन कॉल होगा। तो ये फंक्शन कौन सा कॉल होगा जिसमें तीन पैरामीटर्स हैं, तो तीनों इंट टाइप के भी होने चाहिए, ध्यान रखिए, क्योंकि आपने पास क्या किया है इंट। तो ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 30। तो 10 प्लस 20 30 30 प्लस 30 60, तो यहां पर आउटपुट आएगा हमारा 60। तो हमारे पास दो आउटपुट मिलेंगे 30 और 60। तो इसको कंपाइल और रन करा के हम देखें, देखिएगा आउटपुट आ रहा है 30 और 60। तो ये कंसेप्ट हमने सीखा इजी एग्जांपल से फंक्शन ओवरलोडिंग का। एक और हम एग्जांपल पढ़ते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग का। इस फंक्शन ओवरलोडिंग के एग्जांपल में हम पब्लिक और कुछ मेंबर फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। इंट मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL और इसके पैरामीटर हम कर देते हैं इंट i कॉमा इंट j। देन इस फंक्शन के अंदर हम रिटर्न कर दें i मल्टीप्लाई j। तो आप यहां पर देखोगे कि दो पैरामीटर्स हैं, दोनों इंट टाइप के हैं। एक और हम फंक्शन बनाए फ्लोट MUL, देन फ्लोट i कॉमा फ्लोट j। देन यहां पर हम रिटर्न कराएं i मल्टीप्लाई j। तो यहां पर दो फंक्शन हमने क्रिएट किए हैं। फंक्शन का नाम है MUL, यानी कि मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो फंक्शन के नाम सेम है लेकिन पैरामीटर डिफरेंट है। आप यहां पर देखिएगा, यहां पर नंबर ऑफ पैरामीटर तो सेम है, यानी कि इस फंक्शन में भी दो पैरामीटर है, इस फंक्शन में भी दो पैरामीटर है, लेकिन अब बात यहां पर है कि इन पैरामीटर्स का टाइप अलग अलग है। इंट आई जे, यहां पर दोनों जो पैरामीटर हैं वो इंटीजर टाइप के हैं, और यहाँ पर दोनों जो पैरामीटर हैं वो फ्लोट टाइप के हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर फंक्शन का नाम सेम है और पैरामीटर नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम है, तो ध्यान रखिएगा कि टाइप अलग अलग होने चाहिए। ओके, अब एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम सुनते हैं एक वर्ड मैथड सिग्नेचर। मैथड सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, फंक्शन का नाम और पैरामीटर लिस्ट। तो हमारे पास दो फंक्शन है यहाँ पर, फंक्शन वन एंड फंक्शन टू। पहले वाले फंक्शन का सिग्नेचर क्या होगा,
MUL दो इंट पैरामीटर, दूसरे वाले फंक्शन का सिग्नेचर MUL दो फ्लोट पैरामीटर्स। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैथड सिग्नेचर में कभी भी रिटर्न टाइप नहीं आता। मैथड सिग्नेचर सिर्फ इतना पोर्शन है, रिटर्न टाइप मैथड सिग्नेचर में नहीं आता है। मेन फंक्शन में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, क्लास का नाम ए, ऑब्जेक्ट A1, सी आउट A1 डॉट MUL, और दो वैल्यूज हम पास कर दें 10, 10। 10, 10 ये दो वैल्यू हमने पास करी, देन एंड L, लाइन भी चेंज करा दिया। सेव करते हैं, देन रन कराएं। रन कराने पर हमें आउटपुट मिल रहा है 100। अब देखें प्रोग्राम को। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ मेन से, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना A1, A1 ऑब्जेक्ट जिसने कॉल किया MUL फंक्शन को, और क्या लेके गया, दो इंट वैल्यूज 10, 10। तो एस कंपाइलर ये देख रहा है यहाँ पर कि ऐसा कोई MUL फंक्शन है जो दो इंट पैरामीटर्स ले रहा है। हाँ है, तो i की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 10 और j की वैल्यू भी 10। जैसे ही फंक्शन के अंदर आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 100। 100 रिटर्न हुआ, और रिटर्न होने के बाद जहां पर कॉल हुआ है वहीं पर रिटर्न क्या हो रहा है, 100। तो 100 रिटर्न हुआ एंड लाइन चेंज हुई। अब हम दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं जो दो फ्लोट वैल्यूज लेगा। तो सी आउट A1 डॉट MUL, अब दो फ्लोट वैल्यू हम दे देते हैं 10.5, फ्लोट है तो F यहां पर हम लगा देते हैं 10.5 F, 10 लाइन चेंज कर देते हैं, सेव कर देते हैं। देखें आउटपुट क्या आएगा, 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, आउटपुट हमारा आना चाहिए 110.25। चलिए कंपाइल और रन करा के देखें इस प्रोग्राम को। कंपाइल एंड रन, देखें हमारा दूसरा आउटपुट क्या है, 110.25। तो ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल जिसमें हमने नंबर ऑफ पैरामीटर तो सेम है लेकिन हमने उनके टाइप चेंज कर दिए। यहाँ पर भी दो पैरामीटर सेट किए हैं और सेकेंड फंक्शन में भी दो पैरामीटर सेट किए हैं लेकिन पैरामीटर के टाइप डिफरेंट हैं। अब हम देखेंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में अगला टाइप, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, एन ऑपरेटर इज ओवरलोडेड टू गिव यूजर डिफाइंड मीनिंग टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। एक ऑपरेटर जैसे कि प्लस ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर दो वैल्यू को ऐड करने का काम करता है, तो उसी प्लस ऑपरेटर से क्या हम दूसरा काम करवा सकते हैं, अगर करवा सकते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ओवरलोडिंग। तो प्लस ऑपरेटर से अगर हमने दूसरा काम करवाया कि उससे स्ट्रिंग कॉन्कैट हो जाए तो ये प्लस ऑपरेटर ओवरलोडेड कहलाएगा, बिकॉज वो एडिशन भी कर रहा है दो नंबर्स का और दो स्ट्रिंग का कॉन्केटेनेशन भी कर रहा है, तो ये कहलाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सेकेंड पॉइंट है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज यूज टू ओवरलोड सी प्लस प्लस एग्जिस्टिंग ऑपरेटर। ये एक लिमिटेशन है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग आप यूज करने के लिए सी प्लस प्लस में जो पहले से ही ऑपरेटर दिए हुए हैं उसी को ओवरलोड किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है यह है कि कोई नया ऑपरेटर आप क्रिएट नहीं कर सकते, अगर आपको ओवरलोड करना है किसी ऑपरेटर को तो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर का ही आप यूज करोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग को किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो सिंटेक्स, सबसे पहले आप देखोगे रिटर्न टाइप, किसी भी फंक्शन का रिटर्न टाइप, ऑपरेटर, ये ऑपरेटर एक कीवर्ड है, देन ऑपरेटर का सिंबल, और ऑपरेटर के सिंबल के बाद यहाँ पर हमने स्मॉल ब्रैकेट लगाए और अंदर आप पैरामीटर दे सकते हो। ये भी एक फंक्शन की तरह ही है, तो यहाँ पर फंक्शन के हमने स्कोप दिया और स्कोप के अंदर हमने बॉडी दे दी। तो अब बात ये आती है, क्या हम सभी ऑपरेटर्स को
ओवरलोड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, हम सभी ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते। तो कौन कौन से ऐसे ऑपरेटर हैं जिन्हें ओवरलोड नहीं किया जा सकता? तो देखें, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डबल कोलोन, इसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते। साइज ऑफ, किसी भी वेरिएबल या किसी भी डेटा टाइप का साइज बताना है तो साइज ऑफ ऑपरेटर का हम यूज करते हैं, लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग में साइज ऑफ का भी यूज नहीं किया जा सकता। मेंबर सेलेक्टर या मेंबरशिप ऑपरेटर, जिसको हम डॉट बोलते हैं, इस ऑपरेटर को भी हम ओवरलोड नहीं कर सकते। पॉइंटर सेलेक्टर या पॉइंटर, जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हो तब आप एस्ट्रिक बनाते हो, तो इसे भी हम ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। टर्नरी ऑपरेटर, या आप इसको कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से भी जानते हो, तो क्वेश्चन मार्क कोलोन, इसे भी हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट टास्क इज टू ओवरलोड यूनरी ऑपरेटर, दैट इज प्लस प्लस। प्लस प्लस ऑपरेटर को किस तरीके से हम ओवरलोड कर सकते हैं? तो हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास क्लास का नाम ए, और इस क्लास के स्कोप को क्लोज कर दें। देन एक प्राइवेट मेंबर हम क्रिएट करें, इंट इंट एक्स, पब्लिक ए क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। एंड कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद एक्स की वैल्यू हम प्रोवाइड करवा दें 5। देन अब ऑपरेटर को ओवरलोड करने की बारी। तो हमने पढ़ा था रिटर्न टाइप यानी कि वॉइड, ऑपरेटर कीवर्ड, किस ऑपरेटर को आप ओवरलोड करना चाहते हो, प्लस प्लस, और पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट आपने लगा दिए। ये फंक्शन आपने क्रिएट कर लिया। अब जो एक्स की वैल्यू है इसमें हम ऐड करा देते हैं 5 या 10 कर देते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एक क्लास का, तो एक्स की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 5 से। और जब हम प्लस प्लस ऑपरेटर, अब हम जानते हैं कि प्लस प्लस ऑपरेटर का काम क्या होता है, पोस्ट या प्री में इसको यूज किया जाता है और इंक्रीमेंट बाय 1 से होगा। तो प्लस प्लस ऑपरेटर इंक्रीमेंटेड बाय 1, ये इसका काम है, लेकिन हम प्लस प्लस ऑपरेटर को एज अ फंक्शन भी यूज कर रहे हैं। अब जैसे ये प्लस प्लस ऑपरेटर वर्क करेगा, एक्स के वैल्यू जो अभी 5 थी वो इंक्रीमेंट हो जाएगी 10 से, यानी कि 15, और 15 होने के बाद वापस स्टोर हो जाएगा एक्स में। तो हम एक फंक्शन भी बना लें ताकि हम एक्स को डिस्प्ले करा सके, बिकॉज एक्स क्या है, प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब है विद इन अ स्कोप ही एक्स वर्क करेगा, स्कोप का मतलब विद इन अ क्लास ए ही ये वर्क करेगा। तो हम एक फंक्शन बना देते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन, जिसमें हम लिख देते हैं सी आउट, वैल्यू ऑफ एक्स प्रिंट होगी, देन लाइन चेंज हो जाएगी एंड एल। तो ये हमारी क्लास ए, जिसमें हमने एक प्राइवेट मेंबर बनाया है एक्स, और एक पब्लिक बनाया है जिसमें मेंबर है ए क्लास का कंस्ट्रक्टर, प्लस प्लस ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी और डिस्प्ले फंक्शन। अब आते हैं मेन फंक्शन में। ए क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें A1। अब A1 क्रिएट करने के बाद हम बोलते हैं कि A1 आप कॉल करो डिस्प्ले फंक्शन को। तो देखें, अभी हमने प्लस प्लस ऑपरेटर को कॉल नहीं कराया, सिर्फ डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कराया है। सेव कर देते हैं, कंपाइल एंड रन। कंपाइल और रन कराने के बाद हमारे पास आउटपुट आया 5। ये 5 कैसे आया उसको समझ भी लेते हैं हम। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट ने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 5 से, यानी कि एक्स की वैल्यू अभी 5 है। देन डिस्प्ले करवाया हमने, और डिस्प्ले फंक्शन जब कॉल हुआ तो एक्स की वैल्यू प्रिंट हुई, जो कितनी थी 5, यानी कि जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो हमारे पास आउटपुट आया 5। अब हम प्लस प्लस ऑपरेटर को कॉल करना चाहते हैं, लेकिन ये कैसे कर पाएंगे हम? तो ध्यान रखिएगा, आपके ऑपरेटर का नाम क्या है, प्लस प्लस, और किससे कॉल करने वाले हो, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट का नाम यहां रख देते हैं हम A1।
ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने प्लस प्लस कॉल किया, तो ध्यान रखिएगा कभी भी हम किसी ऑपरेटर को कॉल करना चाहें तब हम कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से। अब हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दें, क्यों? क्योंकि वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो गई होगी। जैसे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, एक्स की वैल्यू अभी 5 थी, तो 5 + 10 कितना हो जाएगा, 15, और 15 कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, एक्स में, तो एक्स की न्यू वैल्यू हुई 15। देन A1 वापस कॉल करेगा डिस्प्ले को, लेकिन डिस्प्ले फंक्शन में जो एक्स है अब इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 15। तो हमारे पास दो आउटपुट आने चाहिए, 5 और 15। तो कंपाइल एंड रन करा के हम देखें, देखिएगा दो आउटपुट आए, पहला 5 जो पहले से आ चुका है, एंड जो अभी हमने कुछ चेंज किए थे प्रोग्राम में उसके बाद आया 15। तो ये है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरराइडिंग एंड वर्चुअल फंक्शन कंसेप्ट। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।